क्रिकेट से ज्यादा बास्केटबॉल का क्रेज भावनगर में है ज्यादा, क्योंकि क्रिकेट इज आई थिंक सो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि 7 घंटे 8 घंटे लगते हैं रिजल्ट मिलने के लिए, और बास्केटबॉल में 1-1.5 घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाता है इंस्टेंटली। माई सेल्फ मिरंत भरत भाई इटालिया, आई एम बेसिकली फ्रॉम गुजरात एंड आई एम प्लेइंग सीनियर नेशनल फ्रॉम गुजरात टीम। मेरा नाम कुलदीप टमालिया है और मैं गुजरात सीनियर नेशनल टीम से खेलता हूँ, और 2018 में मैंने साउथ एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर मेरा गोल्ड मेडल था। और हाल ही में हम भावनगर बास्केटबॉल लीग में अभी एज अ कैप्टन हमारी कैरेसिल ग्रुप की टीम है और मिरंत इटालिया की नवयुग फार्मा की टीम है। तो हम लोग टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं आपको कि ये हमारा भावनगर बास्केटबॉल लीग इस साल सीजन 4 हो रहा है, तो कंटिन्यू हमारा लीग 3 साल से हो रहा था, ये 4th सीजन है और इसमें टोटल 8 टीम है और अलग अलग 4 कैटेगरी में, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 और अबव कैटेगरी में टोटल 256 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स। तो ये हमारा टूर्नामेंट एक अच्छा एक्सपोजर है और 3-on-3 गेम अच्छा खेलने को मिल जाता है। अच्छा, और मिरान आपने भी 3x3 खेला, आई थिंक 3BL में शायद आपने खेला होगा। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि ऐसे 3x3 बास्केटबॉल पे फोकस आ रहा है इन भावनगर आपके शहर में, और आपको एज अ प्लेयर कैसे मदद करता है ऐसे टूर्नामेंट? ये 3x3 जो टूर्नामेंट है वो काफी फास्ट टूर्नामेंट है, मतलब बेसिकली प्लेयर्स का शूटिंग इंप्रूव होता है, बेसिकली फास्ट शूटिंग्स जो 5-on-5 में इंप्रूव लगेगा मतलब टीम इंडिया को। और 3-on-3 टूर्नामेंट ऐसा है कि आप ज़्यादा मेहनत करो तो अचीवमेंट जल्दी से मिल जाता है, मतलब बेसिकली लाइक 2024 पेरिस में आई थिंक होप सो कि इंडिया की टीम पार्टिसिपेट हो और उसमें शायद से मेडल लगे, क्योंकि 3-on-3 10 मिनट का गेम है, हार्ड एंड फास्ट, यू कैन प्ले फास्ट एंड यू कैन विन गोल्ड मेडल लाइक दिस, दैट्स व्हाई। और ये भावनगर बास्केटबॉल लीग के पहले अगर आप लोगों को खेलना कुछ कंपटीटिव एक्सपोजर चाहिए भावनगर में, तो आप क्या करते हैं, कुछ टूर्नामेंट था उसके पहले? भावनगर बास्केटबॉल लीग जो ऐसी टूर्नामेंट है जो बेसिकली प्लेटफॉर्म है जो मतलब ग्रास रूट लेवल प्लेयर्स है उसको मिल रहा है। लाइक हमें भी पहले टूर्नामेंट खेलने जाना होता तो साल में 1 या 2 टूर्नामेंट मिलती थी अच्छे से, हार्डली 1 or 2 टूर्नामेंट्स, एंड वो भी मतलब काफी परेशानी झेल के, मतलब सब एसोसिएशन लड़ वड़ के सब मिलती थी टूर्नामेंट्स। तो ये मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें होम टीम, होम ग्राउंड और होम स्टेट में हमारे टूर्नामेंट मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और आप ये जो कैटेगरी है कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, तो इससे क्या प्लेयर्स को मोटिवेशन मिलता है कि एटलीस्ट कुछ पैसे मिल रहे हैं खेलने से? जी हाँ जरूर, क्योंकि ए कैटेगरी में 60,000 प्राइज है और उसी प्लेयरों को रखा है जो खेलो इंडिया मेडलिस्ट है, सीनियर नेशनल में पार्टिसिपेशन या मेडल है, और वो प्लेयर ऑलरेडी इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कर चुका, तो उन लोगों को कैटेगरी ए में रखते हैं और कैटेगरी बी थोड़ा कम प्राइस रखा है, क्योंकि प्लेयरों को अभी मतलब ज़्यादा पैसे देने लगोगे एक साथ तो प्लेयरों के माइंड में थोड़ा अलग इफेक्ट पड़ेगा कि हर साल हमको इतने पैसे मिल रहे हैं। तो हमारा क्लब का ये सोचना है कि अभी धीरे धीरे कैटेगरी की वाइज पैसे बढ़ाएंगे। ओके, और आपके जो को प्लेयर्स हैं जो इंडियन टीम में खेलते हैं, तो आपसे कुछ पूछते हैं कि भावनगर बास्केटबॉल लीग क्या है, कुछ क्यूरियोसिटी बन रही है बाकी स्टेट्स में? हाँ जी, काफ़ी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि जो लोकल लेवल्स की जो लीग हो रही है वो इतने हाई लेवल पे जा रही है, तो नॉर्मली कैंप्स में जाते तो पूछते हैं हमारे मतलब आपकी लीग में हमें चांस मिलेगा, हमें चांस मिलेगा। तो हम उसको बताते हैं कि इन फ्यूचर हम ऐसा ट्राई करेंगे कि कोई भी एक इंडिया प्लेयर हो, कोई भी एक बाहर का गेस्ट प्लेयर हो, हम खिला सकते हैं, क्योंकि अभी ग्रास रूट लेवल हम मार्क कर रहे हैं तो उस लेवल के मैच होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो 4-5 साल बाद, मतलब अभी 4th साल तो चल रहा है ऑलरेडी, तो अभी 1-2 साल में शायद से हमारे एसोसिएशन या हमारे क्लब मेंबर्स जो है वो डिसीजन ले सकते हैं कि बाहर के प्लेयर्स को भी एक एक प्लेयर्स को इन्वॉल्व करें। हाँ, और इस सीजन की अगर हम बात करें तो आप दोनों की टीमों में से कौन जीतने वाला है इस बार? बेसिकली मैं जो सोच रहा हूँ जब तक तो मेरी टीम ही जीतेगी शायद सर। नहीं नहीं, वैसे तो इसमें 4 कैटेगरी है तो सब कैटेगरी पावर, मैं तो सीनियर में पूछ रहा हूँ, सीनियर में तो मेरी टीम जीतेगी। तो डिफेंडिंग चैंपियन कौन है? जो बेस्ट खेलेगी वो जीतेगी, दैट्स इट। लास्ट ईयर मेरी टीम रनर अप थी। हाँ, अच्छा आपकी टीम जीती? नहीं, मेरी टीम में बीच टूर्नामेंट में मैं इंडिया कैंप में चला गया था, 15 दिन में टूर्नामेंट खेला, उसके बाद 15 दिन जब फाइनल्स था तब मैं कैंप में चला गया था, तो मेरी टीम मतलब थी नहीं। ओके ओके, और आपकी थोड़ी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है भावनगर में, सब लोग देखते हैं? जरूर जरूर, क्योंकि धीरे धीरे प्लेयर्स के पेरेंट्स, रिलेटिव्स और जो स्पोर्ट्स प्रमोटर है वो उनके साथ अपने अपने प्लेयर लेके आते हैं, उनके साथ कोई बिजनेसमैन है वो लेके आते हैं कि चलो अच्छी टूर्नामेंट हो रही है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की
वो छोटा डिस्ट्रिक्ट है फिर भी इतनी बड़ी नेशनल लेवल टाइप टूर्नामेंट हो रही, तो ज्यादा पब्लिक होता है और प्रमोशन भी ज्यादा होता है। अच्छा, कंपैरेटिवली भावनगर में क्रिकेट से ज्यादा बास्केटबॉल का क्रेज है। कंपैरेटिवली अगर कोई भी टूर्नामेंट चल रही हो तो बास्केटबॉल टूर्नामेंट है तो 500 से 700 लोग आपको आराम से मिल जाएंगे ग्राउंड पर। अच्छा, तो यही मेन चीज है। या क्रिकेट से ज्यादा बास्केटबॉल का क्रेज भावनगर में है ज्यादा, क्योंकि क्रिकेट इज आई थिंक सो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि 7 घंटे 8 घंटे लगते हैं रिजल्ट मिलने के लिए और बास्केटबॉल में 1-1.5 घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाता है इंस्टेंटली। ठीक है, आई होप जो जो भी सुन रहा होगा वो भी मोटिवेट हो कि शायद बास्केटबॉल पॉपुलर हो बाकी देश में। ठीक है, तो वही चाहते हैं कि बास्केटबॉल ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर हो, और बास्केटबॉल में भी अभी जैसे IPL जो हो रहा है वैसी भी हमारी प्रोफेशनल लीग है और प्लेयर्स को अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि प्लेयर्स फाइनेंशियली भी अच्छा आगे बढ़ सके।